स्टूडेंट्स, जय विज्ञान। सो एज यू ऑल नो दैट वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट विजुअल बेसिक। ओके, व्हाट इज विजुअल बेसिक? आई टोल्ड यू दैट विजुअल बेसिक इज वन सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू मेक एन एप्लीकेशंस। ओके, सो यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और स्मॉल सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर स्मॉल सॉफ्टवेयर, बिग सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब तक हमने सीखा था कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स का क्या यूज़ होता है। आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन इज क्लिक ऑन फाइल मेनू, देन न्यू प्रोजेक्ट, एंड उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, फाइल में से न्यू प्रोजेक्ट हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। नाउ स्टेप टू, इन द न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स दैट ओपन्स क्लिक ऑन विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन। न्यू प्रोजेक्ट में से हमें क्या ले लेना है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस। एंटर नेम ऑफ योर फाइल एज वेलकम टू VB9। हमें फाइल नेम क्या देना है, वेलकम टू VB9, देन क्लिक ओके। क्लिक ऑन टूल बॉक्स बटन, क्लिक बटन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉमन कंट्रोल्स एंड ड्रैग्स इट टू द फॉर्म। अब हमें उसमें से टूल बॉक्स में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बटन नाम का जो ऑप्शन है वो हमें सिलेक्ट करना है और एप्लीकेशन में ड्रैग करना है। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज अ बटन नेम्ड बटन 1 विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप बटन सिलेक्ट करोगे, बटन को ड्रैग करोगे एप्लीकेशन में, तो उसके अंदर आप देख सकोगे कि वहां पे एक शॉर्टकट नाम आता है, उसका नाम होता है कंट्रोल। जब भी हम स्टार्ट करते हैं बनाना तो उसका नाम आता है बटन 1। तब हमें प्रॉपर्टी में जाके उसका नेम और सब चेंज करना होता है। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो चेंज सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द बटन 1 एज अंडर। क्या करेंगे हम वहां पे, बैक कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट में क्या कर देंगे, टाइम्स न्यू रोमन, साइज उसकी 20 रख देंगे, बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट कलर हम ब्लू कर देंगे और टेक्स्ट में लिखेंगे हेलो। इतनी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है। क्या करनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी है। तब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये यहाँ पे आ गया, जो हमने चेंज किया वो यहाँ पे आ गया। जब हमने पहले बटन सिलेक्ट किया था, that time it looks like this, बटन 1, और ना ही कोई कलर, ना ही कोई सेटिंग। जैसे ही हमने ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे चेंज किए, ये ऐसा दिखने लगा। When you are changing properties of the colors and font, small buttons like drop down and dot dot will appear in these fields. Click on these buttons to open dialog boxes to change the properties as suggested above. You can select any other color and font also. यहाँ पे हमें examples में blue color दिया है, sky color दिया है, आप जो चाहो वो color यहाँ पे select कर सकते हो। After changing the properties, your form should look like this. जैसे ही आप property change करोगे, ऐसा form यहाँ पे खिलेगा। Now double click on the button to open code window. जो भी हम property लेंगे उसके ऊपर हम double click करेंगे तो ये coding window open हो जाएगा। ये हमारा coding window है, okay? यहाँ पे देखो ये सारा कोड लिखा हुआ होता है। At the default position where the cursor appears to blink, type the following command. Message box, welcome to the world of Visual Basic 9. हम जब ये बटन पे क्लिक करें हेलो पे, तो हमें मैसेज या कुछ भी कुछ इफेक्ट करना चाहिए। तो क्या इफेक्ट होना चाहिए थे? इफेक्ट शुड बी कि मैसेज आना चाहिए, एक मैसेज बॉक्स खुलना चाहिए, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ विजुअल बेसिक, एक ऐसा मैसेज आएगा। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करते हो, कैंसिल पे क्लिक करते हो, तो कुछ इफेक्ट होती है ना, सेम उसी तरह से जब आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो कौन सी इफेक्ट होगी वो हम यहाँ पे अब सीखेंगे। नाउ प्रेस कंट्रोल एस टू सेव द कोड। अब इस सेव को कोड को सेव करने के लिए हमें क्या दे देना है, कंट्रोल एस। क्लिक ऑन द फॉर्म 1.vb टैब अबव द कोड विंडो टू ओपन द फॉर्म डिजाइन विंडो। क्लिक ऑन द फॉर्म 1.vb टैब अबव द कोड विंडो टू ओपन द फॉर्म डिजाइन विंडो। क्लिक फाइल, सेव ऑल और प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एस। अब क्या करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट एस कर देंगे। नाउ सेव द प्रोजेक्ट। अब हम सेव द प्रोजेक्ट दे देंगे लास्ट में। उसका नाम क्या होगा, क्लिक ऑन फॉर्म 1.vb, ये उसका नाम से वो सेव हो जाएगा। ओके, नाउ क्लिक द डीबग स्टार्ट डीबगिंग। अब हम डीबग पे क्लिक करेंगे और क्या हो जाएगा, डीबगिंग स्टार्ट हो जाएगा। डीबग मीन्स प्रोग्राम रन होता है। यू कैन क्लिक ऑन डीबगिंग बटन फ्रॉम द टूल बार टू रन योर एप्लीकेशन। प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस की टू सेव द प्रोजेक्ट। प्रेस F5 की टू रन योर एप्लीकेशन। डीबग की के बाद क्या करेंगे हम, F5 की प्रेस करेंगे प्रोग्राम रन करने के लिए।
Now, a separate window similarly to this will open. Click on Hello button to see the magic. A message box, another window similarly to this will appear on the screen. जैसे ही आप यहाँ पे Hello पे क्लिक करोगे, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. Welcome to the world, Visual Basic 9, जो हमने ऑप्शन दिया था वो आ जाएगा. ओके, क्लिक ऑन ओके टू क्लोज दिस मैसेज बॉक्स. Congratulations, you have successfully created your first window application. ये एक small example था application बनाने का, तो ये यहाँ पे अभी बन गया. Now, developing some calculator application. अब suppose हमें calculator बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? Same उसी तरह से हम इसमें box add करते जाएंगे, label add करते जाएंगे, buttons add करते जाएंगे और last में इसका answer आ जाएगा. Click file, new project, press control end. क्या करेंगे हम? फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट देंगे, उसमें से हम कंट्रोल एन लेंगे. नाउ नेक्स्ट इज इन द न्यू विंडो डायलॉग बॉक्स. In the new project dialog box that opens, click on Windows Form Applications. Enter name of your files as some calculator and click OK. Click on Toolbox button. Click Label from the label list of common controls and drag it to the form. A control named Label 1 similarly to this will appear on your screen. Click on Toolbox button, click text box from the list of common controls and drag it to the form. A white colored rectangular similar to this will appear on your screen. क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? हमें एक लेबल ऐड करना है और लेबल में हमें प्रॉपर्टीज में जाके लेबल के नाम भी चेंज कर देने हैं. इसी तरह से हम दूसरे दूसरे एक टेक्स्ट बॉक्स जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे. एक लेबल और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स, दोनों को हम ऐड करेंगे. Repeat step 7 to 9. Create 2 more labels, 2 more text box on one button. ऐसे ही हम label 1 और label 2, जैसे हमने label 1 किया और जैसे ही हमने यहाँ पे label 1 किया है और फिर हमने यहाँ पे जैसे लेबल 1 किया है वैसे ही हम लेबल 2 भी ऐड करेंगे और जैसे ही हमने 1 टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है यहाँ पे वैसे ही हम सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे लगाएंगे. ओके, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे एक और बटन ऐड करेंगे जिसका नाम होगा बटन 1. फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विंडो चेंज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंट्रोल एज अंडर लेबल 1 फॉन्ट, लेबल 2 फॉन्ट, लेबल 3 फॉन्ट, बटन 1 फॉन्ट, सबके फॉन्ट और यहाँ पे जो उसकी हमें डिटेल दी है वो डिटेल हम डाल देंगे कि फॉन्ट क्या चेंज रखने हैं हमें, स्टाइल कैसे रखनी है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या रंगे के एंटर फर्स्ट नंबर, टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ होगा एंटर फर्स्ट नंबर और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होगा एंटर सेकंड नंबर. ओके, ऐसे हम ऐड कर देंगे. बटन में हम क्या लिखेंगे? फाइंड सम नाम का एक बटन करेंगे. लेबल 3 में हम क्या लिखेंगे? लेबल 3 में लिखेंगे द सम इज. लेबल 3 में क्या लिखेंगे? द सम इज. नाउ स्टेप 10. After changing the properties, your form should look like this. Double click on the find some button to open the code window. Okay, so ऐसे ही हम यहाँ पे लेबल भी ऐड कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर देंगे. हमने 3 लेबल ऐड किए यहाँ पे, 3 टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए, एक बटन ऐड किया जिसके ऊपर हमने लिखा फाइंड सम. आफ्टर द चेंजिंग द प्रॉपर्टीज योर फॉर्म शुड लुक लाइक दिस. Double click on the find some button to open the code window. At the default positions where the cursor appears to blink, type the following commands. अब हमें find some पे जब क्लिक करें तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? जब भी हम find some पे क्लिक करें तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ पे कोड में दिखाना है. तो क्या हम कोड टाइप करेंगे? We will type text box 3.text is equal to BAL. Well, ब्रैकेट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट ओवर प्लस वेल
ब्रैकेट इन टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ, ओके इतना कमांड हम टाइप करेंगे और लास्ट में वी विल प्रेस कंट्रोल एस टू सेव द कोड। कंट्रोल एस क्यों देंगे हम? कंट्रोल एस हम देंगे हमारे प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए। क्लिक ऑन फॉर्म वन डॉट वी बी डिजाइन, टैब अबाउ द कोड विंडो टू ओपन द फॉर्म डिजाइन विंडो। लास्ट में हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन फॉर्म विंडो पे क्लिक करेंगे और हम टैप द कोड विंडो टू ओपन द फॉर्म डिजाइन विंडो, फॉर्म को हम डिजाइन विंडो में ओपन करेंगे। क्लिक फाइल एंड सेव ऑल, लास्ट में क्या कर देंगे हम? फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव ऑल कर देंगे। क्लिक डिबग स्टार्ट डिबगिंग, फिर हम क्या करेंगे? डिबग पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। अ सेपरेट विंडो सिमिलर टू दिस विंडो विल अपीयर, नाउ यू कैन सी दिस विंडो विल अपीयर टू योर स्क्रीन। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे। फाइंड सम, द सम इज, और यहाँ पे आंसर, ये वाला ओपन यहाँ पे होगा। ये कंट्रोल पैनल प्रॉपर्टीज है और ये जब एप्लीकेशन रन होगी तब ऐसा दिखेगा। नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट टू टेक्स्ट बॉक्स एंड एंटर द नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 23 एंड 13। देन क्लिक ऑन फाइंड सम, द कंप्यूटर विल कैलकुलेट सम ऑफ द नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज 36 इन थर्ड टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस। हम यहाँ पे 23 और 13 ऐसे दो नंबर देंगे और लास्ट में हम उसका फाइंड सम करवाएंगे। जैसे हम फाइंड सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लास्ट में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके तो ये था एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने का प्रोसेस, कि कैलकुलेटर जैसा अगर हमें कुछ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बटन रख सकते हो, फाइंड सम है यहाँ पे, ऐसे ही आप फाइंड डिफरेंस रख सकते हो, फाइंड प्रोडक्ट रख सकते हो, फाइंड डिविजन रख सकते हो, ऐसे यहाँ पे अलग अलग आप बटन्स दे सकते हो। अब आप क्या करोगे? अब आप सारे की सारी एक्सरसाइज जो है, अब क्या करोगे आप? सारी ये जो एक्सरसाइज है इसे आप अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, ये जो है टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी एक्सरसाइज आप टेक्स्ट बुक में करोगे। देन मैचिंग भी टेक्स्ट बुक्स में करोगे। क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आंसर आपको कहाँ पे करने हैं? आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। फिर आप ये जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है, इसके शॉर्टकट्स आप खुद से फाइंड करोगे, आप इसको नोटबुक के अंदर लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का सारा वर्क आप फिनिश कर लोगे। ओके बाय बाय टेक्स्ट बुक के अंदर।